हेलो हाय नमस्कार पहलाग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ पर एकदम बढ़िया और फुल फैमिली एकदम मस्त हैं हम लोग। होप आप भी एकदम मस्त होंगे और इस भरी बरसात के मौसम के मज़े ले रहे होंगे। तो आजकल बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब पूछो मत। और आज सुबह से जब से मैं उठा हूँ तब से अभी तक बारिश ही हो रही है और लिटरली अभी थोड़ी सी बारिश बंद हो गई है। तो लगभग 1:30 बज चुका है और आरव आने वाला है। तो मैं यहाँ गेट के सामने से आरव को देख रहा हूँ बार बार कि आरव की स्कूल की गाड़ी आएगी और मैं उसे जाऊँगा गेट पे लेने के लिए। उससे पहले क्या हुआ था कि जब आरव सुबह स्कूल गया था तो उस समय चल रही थी बहुत ही तूफानी बारिश, मतलब जिसको हम नहीं कहते पहाड़ी भाषा में आड़ी तिरछी बारिश, तो वही चल रही थी। और बड़ी मुश्किल से यहाँ घर से गेट तक उसको छोड़ा है मैंने। मतलब मैं तो भीग गया था लेकिन मैंने गोदी में उठा के छोड़ा उसको। अभी आ गया हूँ मैं अपने घर की छत में और ये देखिए दो गाय चर रही हैं यहाँ पे और बिल्कुल हरियाली वाला मौसम है। तो ये हमारे घर के आगे अभी क्या है कि अभी रोड पक्की नहीं हुई है तो वहाँ पे गेट है आप जैसा देख सकते हैं। तो गेट के बाहर पक्की रोड है, बस वहीं पर आती है। तो आप देख सकते हैं जब भी बारिश होती है तो पूरी रोड में पानी भर जाता है। ये देखिए जगह जगह गड्ढे हो गए हैं क्योंकि बड़े बड़े ट्रक और गाड़ियां आती हैं तो ये गड्ढे हो जाते हैं। वो देखिए आरव की स्कूल की गाड़ी आ गई, तो जिसका इंतज़ार मैं कर रहा था बहुत देर से, आरव आ चुका है स्कूल से। आरव देख तो ले इधर, क्यों शर्मा जाता है तू है? ऐसे है भैया इसका एटीट्यूड ना, जो इसको बोलोगे करेगा ही नहीं। क्यों गंदा बच्चा है ना, इसीलिए तो नहीं करता वो सारे काम। क्या पढ़ा आज मैडम ने? क्यों बताऊं? क्यों नहीं बताऊं बोल है, बता दे क्यों। ठीक है मैं तेल ले कुछ लाऊंगा ही नहीं, हम कुछ नहीं लाऊंगा मैं तेल ले, ना चीज़ लाऊंगा ना कुछ लाऊंगा है। मत लाओ ठीक है, मेरे से मत कहना अब ठीक है, चीज़ लाने के लिए ठीक है। मैं कुछ भी नहीं लाऊंगा तेल ले, तो मेरे को कुछ बताता ही नहीं है, बहुत गंदा बच्चा हो गया। तो आ जा बस, आ गया है आरव स्कूल से। तो आरव आ गया है स्कूल से और अभी तक जो टाइम था बहुत धीमी गति से कट रहा था, अब कटेगा बिल्कुल फास्ट क्योंकि आरव जोशी जो कि स्कूल से आ चुके हैं। ये देखिए अरे दांत किसने तोड़ा, तो इसका एक ये नीचे वाला दांत पहले टूटा था, एक फिर टूट गया है, तो धीरे धीरे सारे दांत टूटेंगे क्यों है ना। आरव बहुत अच्छा है ना, सारे दांत तोड़वाएगा एक एक करके, नहीं तोड़वाएगा दर्द होगा परसों। तो ये तोड़ा था हमने संडे के दिन रात को खाना खाने के बाद, तो काफ़ी दर्द हुआ ना।